बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान कई बातें रखी गई सदन में, कई कानून भी पास किए गए। आपको बताते चले कि आरक्षण जो है दायरा बढ़ाया गया, उसको भी पास किया गया। उसी दौरान जिस तरीके से उसके ठीक पहले आपको जाति गणना की रिपोर्ट पेश की गई, महिला नियंत्रण पर बात करते हुए नीतीश कुमार ने कई किस तरीके से बातें रखी सबको पता है, उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासत अभी भी गर्म है, आपको बताते चले कि जब आरक्षण का दायरा बढ़ा जा रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोलने के लिए खड़े हुए, उसके बाद से जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे थे, उसी दौरान नीतीश कुमार ने उनको लेकर के किस तरीके से बात रखी, उसके बाद से लगातार बिहार में अलग अलग जो दल के नेता है प्रतिरोध कर, एक तरीके से कहा कि नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हो गए हैं, लगातार कई जगह पुतले दहन किया जा रहा है। आपको बताते चले उसी दौरान आज लोजपा रामविलास के पार्टी के द्वारा इनकम टैक्स चौराहे पे, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है। हम तमाम नेताओं से बात करते हैं, आखिर में जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार कहते रहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, दलितों का, पिछड़ों के लिए हम कितना काम करते हैं, पहले हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं लोजपा रामविलास के नेता। नहीं नहीं, आरक्षण की बात यहाँ नहीं है, बात है दलितों पर अत्याचार। अब पूरे भारत वर्ष, बिहार ही नहीं पूरे भारत वर्ष की महिला पर ये अपमान का शब्द का प्रयोग किए हैं जो नहीं करना चाहिए। यह शर्म की बात है, उन्हें यह शर्म की बात करते हुए उन्हें अपने आप में इस्तीफा कर देना चाहिए पद से। तो माफी मांगे महिला वाले बात से। अपमान करने पर कोई माफी नहीं किया जाता है। महिला का जो शब्द का प्रयोग किए हैं, अब शब्द का प्रयोग किए हैं, इसमें माफी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए उनको अपने आप को इस्तीफा कर देना चाहिए। दलितों को अपमान करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं। अब दो दिन पूर्व देखिएगा विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कदावर नेता जीतन राम मांझी जी, जो एक दलित समाज से आते हैं, उनको अपमान करने का काम किया। कुछ दिन पूर्व महिलाओं के प्रति किस तरह उनका रवैया है सामने आया, नीतीश कुमार जी का चेहरा उजागर हुआ है, महिलाओं का विरोध, महिला हमारे भाई किसी को अपमान करके माफ़ी मांग ली, जिससे क्या फायदा होगा भाई। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। आपने देखे होंगे कि कुछ दिन पहले परसों बिहार का पूरे देश के शमशान लोग हुआ, जो नारी को किस तरह से मने की संबोधित किए हैं विधानसभा में, जो आप लोग देखे हैं, इनकी दिमाग खराब हो गया है, इनको अब इलाज की जरूरत है। बिहार का सत्ता अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, दिमाग इनका नरभसा गया है। बोले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, जब मुख्यमंत्री से नहीं संभाल रहा है बिहार के देश को संभालेंगे। आप लोग कह रहे दलित विरोधी है, वो आरक्षण पेश किए हैं, आरक्षण पेश किए हैं, आप देखे हुए कि दलित में जो नौकरी में आरक्षण उसको समाप्त कर दिए है, सब जगह आरक्षण है, बिहार में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिए है। ये आरक्षण देने वाले सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, और इनको आने वाला समय जो है 24-25 में बिहार की जनता बता देगी। और ये इनकी दिमाग खराब है, हमने तेजस्वी जी से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से उनको अच्छा इलाज कराने। तो आपने सुना किस तरीके से लोजपा रामविलास के नेता साफ साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दलितों का और महिलाओं का अपमान किया जा कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और माफ़ी मांगने से भी वो क्षमा नहीं दिया जाए, एक तरीके से कहें तो महिलाओं को लेकर के जो बातें कहें उसको लेकर के भड़के हुए। साथ ही जीतन राम मांझी को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि ये दलितों का अपमान है, मांझी का अपमान नहीं, इसका पूरा देश बदला लेगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से वो एक तरीके से साफ साफ उनको बारे में बोले कि वो बीमार हैं एक तरीके से, तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।